हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं, काफ़ी वायरल हो रही है झूठी खबरें कि 8 अगस्त को हो गया है, लेकिन अभी 6 अगस्त को ही है। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट तो पहुंचाएगा ही। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? याद रखिए कैस्पियन सागर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील। अच्छा बताइए, मीठे जल की झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी? मीठे जल की झील कौन है? बेकाल झील। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन थर्ड। विश्व सर्वाधिक गहरी, ऐसी पूछेगा मीठा खारा गहरी झील। ठीक है, तो तैयार करके जाइए। तो जो है आपकी सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, बेकाल। ठीक है, बेकाल झील सबसे गहरी झील भी है, ये भी याद रखना है आपको। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो ये है आपका समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? अब ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है कि नीची झील कौन सी है, विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है, तो कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स? मृत सागर। तीनों क्वेश्चंस एवरग्रीन क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, कई बार रिपीट होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील कौन सी है माय डियर फ्रेंड्स? कैस्पियन झील। अभी मैंने आपको बताया था कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आप कैस्पियन झील, चाहे वो आयतन में हो चाहे वो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो, आपको कैस्पियन झील ही टिक मारना है। करेक्ट। नेक्स्ट कौन सी हनीमून लेक, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एसएससी में। हनीमून लेक कौन सा है भैया? तो ये है टिटिकाका। और यह एक क्वेश्चन इस यहाँ पे और बनता है कि विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो सबसे ऊंचाई पर ना, अगर सबसे ऊंचाई पे बात करें कि विश्व में कौन सी ऐसी झील है जो कि सबसे ऊंचाई पर है, वो आपका टिटिकाका ही है, और इसको हनीमून लेक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी याद तैयार कर जाइएगा। साइबेरिया कहा जाता है, पार्ल ऑफ साइबेरिया। तो किस झील को कहा जाता है? पार्ल ऑफ साइबेरिया। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, भी कई बार रिपीट हुआ है आपका, कौन सा है? बेकाल झील। क्वेश्चन बनते हैं सब, तैयार करके आपको जाना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है डियर? एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, ये क्वेश्चन भी बनेगा आपसे। तो ये है आपका, कहाँ पे है भैया? वेनेजुएला में। कहाँ पे है? वेनेजुएला। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल, एंजिल और कहाँ, किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं पनामा। पनामा जो नहर है किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है प्रशांत महासागर, ठीक है, और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? पनामा नहर। दो नहरें इंपॉर्टेंट है, एक है स्वेज नहर, एक है पनामा नहर। अच्छा, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था, कभी कभी पूछेगा, तो निर्माण इसका हुआ था 1914 में। ठीक है, 1914 में इसका क्या हुआ था, निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आता है स्वेज नहर, मैंने कहा था ना दो नहर, एक पनामा नहर एक स्वेज नहर, यहीं से क्वेश्चन बनतेगा तो बनता है। ठीक है,
अगर विश्व के नहरों की बात आएगी तो जो आपका स्वेज नहर है ये किन दो को जोड़ती है, कौन से सागर को जोड़ती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, याद रखिएगा इसको। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, किससे? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसका निर्माण कब हुआ था, मतलब प्रारंभ कब हुआ था और तैयार कब हुआ था। तो ये आपका बनना स्टार्ट हुआ था 1854 में, ठीक है, 1854 में स्टार्ट हुआ था, एकदम प्रारंभ हुआ था इसका निर्माण। और बन के कब तैयार हुआ था माय डियर फ्रेंड्स? ये हुआ था 1869 में, ठीक है। तो 1954 से स्टार्ट हुआ और 1969 तक फिनिश हुआ था, ठीक है, स्वेज नहर। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भैया किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं? तो पहले तो ये याद रखिए कि महाद्वीप कितने हैं, सेवन। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्वेश्चन याद हो गया। सात महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया से छोटा है। श्वेत महाद्वीप किस नाम से, किसको कहते हैं? तो हम लोग अफ्रीका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहां से तीन चार क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा। अब बात करेंगे भैया कि आओ इंडिया में घूमते हैं, ठीक है। ये विश्व की बात थी, हमने सारी झील देख लिया जो इंपॉर्टेंट है। अब आता है इंडिया की झील के बारे में, ठीक है, इंडिया झील। सबसे पहले है पास क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी वाली झील मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिल्का झील, बुलर झील, लोकटक झील या सांभर झील? मीठे पानी की झील, भारत में मीठे पानी की झील कौन सी है डियर? ये है आपका बुलर झील। बुलर झील क्या है? सबसे मीठे पानी वाली झील है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक जो है किस राज्य में स्थित है? लोकटक किस राज्य में स्थित है? याद कीजिए, एवरग्रीन क्वेश्चन है, मणिपुर में, मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका झील है उमियम, तो उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील किस राज्य में स्थित है? यह आपका स्थित है मेघालय में, ठीक है, उमियम झील मेघालय में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध लैंगूर झील चिल्का किस राज्य में है? तो चिल्का झील किस राज्य में है ये भी पूछता है आपसे। चिल्का झील, चिल्का झील ये आपका है कहाँ पे है भैया? फोन नंबर क्वेश्चन है, चिल्का झील ये उड़ीसा में, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में है, उड़ीसा स्टेट में है, ठीक है। कहाँ पे? मणिपुर में है, ठीक है। और उमियम कहाँ पर है? ये आपका मेघालय में है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को याद कीजिए, एग्जामिनेशन पे पूछता है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील, अच्छा किस राज्य में स्थित है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बुलर झील। अब देखो बुलर झील के बारे में पूछ रहा है कि सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है, और ये किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोनार झील, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है डियर, कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र, क्लियर हो गया। लोनार झील कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र, फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील जो कि सांभर है वो किस राज्य में स्थित है? कहां पर स्थित है ये राजस्थान में स्थित है झील। यहां पे मैंने आपको बताया, ओके। तो इन सभी को याद कर लीजिए, चाहे विश्व की झील की बात होगी चाहे इंडिया की झील की बात होगी, एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। आओ थोड़ा और रिवीजन करते हैं। लोकटक झील, अभी मैंने आपको बताया लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में, ठीक है। लोनार झील कहाँ पे है? ये आपका कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में, ठीक है। बुलर झील की बात करें, ये बुलर झील कहाँ पे है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। पुलिकट की बात करें, ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। समझ में आया, आपका ये रिवीजन हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। भारत की सब लैंगूर झील, अच्छा कौन सी लैंगूर झील है, ठीक है, इसको लैंगूर झील, लैंगूर झील कौन सी लैंगूर झील है? चिल्का झील, क्लियर है।
निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की पश्चिमी तट पर स्थित है? ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, पश्चिमी तट पर कौन सी झील स्थित है? पश्चिमी तट पर कौन सी झील? अष्टमुडी, ठीक है, अष्टमुडी 20 का बी ऑप्शंस। अच्छा, नागिन, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? बताओ भाई, नागिन झील कौन से राज्य में स्थित है? नागिन झील ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जैसे कयाल, कयाल क्या है? ये क्वेश्चन पूछता है कयाल क्या है, देखिए एमपी पीसीएस में आया था, तो कयाल क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कयाल क्या है? ये केरल के लैंगून है, ठीक है, ऑप्शन डी देख रहे हैं आप, केरल के लैंगून। नेक्स्ट आता है ये वाला 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, कौन सा ऐसा भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जाना जाता है भाई? नैनीताल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए, ये भी पूछा गया था एसएससी की 2016 के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर जो मैं आपको कंप्लीट किया ना, विश्व के जो भी लेक हैं, है, झील है, उसको भी कवर किया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपके विश्व से भी एक दो क्वेश्चन बनेगा और भारत से भी बनेगा, तो झील एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, सेशन से जुड़ सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको फ्यूचर में बेनिफिट होगा, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।